नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। पहली खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में बिजली ठप होने से 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। वहीं कई बच्चों को आनंद फानन में अस्पताल से रेफर कर दिया गया। परिजनों ने इसका आरोप जिला अस्पताल प्रशासन पर लगाया है। अगली खबर अमेठी से है, जहां दोनों हाथों से दिव्यांग एक छात्रा सारी बाधाओं को दूर कर देश का नाम रोशन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पैरों से लिखकर अपनी परीक्षा पास करके अब बीए की पढ़ाई कर रही है। वह अपना सारा काम अपने हाथों से ही करती है। आपको बता दें कि दिव्यांग छात्रा ने सरकार से सहयोग की मांग की है। सर, मैं अपने पैरों से ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। हाई स्कूल इंटर मैंने अपने पैरों से लिखकर पास किया है और पैरों से ही सब कुछ करती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ और पैर से ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, सब काम करती हूँ पैरों से। पढ़ाई करके आगे आप क्या बनना चाहती हैं? सर, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ और कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए आपको अभी किस तरह की चुनौती सामने आ रही है? सर, मुझे पैसों की बहुत प्रॉब्लम है सर, और मेरे पापा मेरे लिए करते हैं सब कुछ वो ही, और सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली हुई है और वही मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां सेल्फी लेने के दौरान एक महिला की पहाड़ी से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के बीच पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला के शव को खाई से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम प्रियंका है, जो अपने पति राहुल सैनी के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गई थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है। मामला सहारनपुर से है, जहां मिर्जापुर के हथिनी कुंड बैराज से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां परीक्षा परिणाम में अनियमितता पाए जाने पर छात्र संगठनों ने गोपेश्वर महाविद्यालय परिसर के गेट पर कुलपति का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि आक्रोशित छात्र छात्राओं का कहना है कि साल 2018 से ही विश्वविद्यालय के तरफ से मनमानी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया कि यही परीक्षा परिणाम इस प्रकार से था कि 70% बच्चे अनुत्तीर्ण दिखाए गए और जो बच्चे परीक्षा में सम्मिलित थे उनको अनुत्तीर्ण दिखाया गया है, जिसके कारण छात्र छात्राओं में बहुत बड़ा आक्रोश है। और सुदेव सुमन हर बार हमको कैंपस के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं, तो हम आज हमने कुलपति महोदय जी का पुतला फूंका है। हमको स्थिति स्पष्ट चाहिए कि ये आखिरकार कैंपस है भी कि नहीं। अगली खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी एक धार्मिक स्थल माना जाता है, साथ ही पर्यटन के मामले में भी यह काफी मशहूर है। यहाँ ताल गंगा मैया शीतकालीन प्रवास मुखवा से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर मंगवाचू ताल लोगों के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है। ताल के किनारे ताली बजाने या गंगा जी का जयकारा लगाने पर उतनी ही ज्यादा तेजी से यह उबलता है। लोगों का कहना है कि सरकार मंगवाचू ताल को पर्यटक स्थल से जोड़े, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। अभी के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।